दिवाली तक इस चीज़ से नहाना चालू कर दो, पैसा भर भर के आएगा। जी हाँ, सही कह रहे हैं, दिवाली तक आप ये मैजिकल चीज़ अगर रोज़ नहाने की बाल्टी में डालते हैं या इसका लेप लगा के नहाते हैं तो ज़बरदस्त 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 आपको फ़ायदा मिलता है। तो क्या है वो चीज़ जो आपको नित्य स्नान के जल में डालनी है और अपनी किस्मत को जगाना है? और अगर आप किस्मत के धनी ऑलरेडी हैं तब भी आप पे ये वर्क करेगी और ज़्यादा पावरफुल आपको बनाएगी और ज़्यादा मैजिकल रिचनेस आपको देगी। तो बने रहिए हमारे साथ। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमा श्री। हम अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा चैनल डॉक्टर उमा श्री के नाम से है, इसको आप अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी इंटरेस्ट और रुचि एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, वास्तु और रेमेडीज़ में है। हम ऐसे मैजिकल रेमेडी आपको बताते हैं नित्य डेली जो आपको नेगेटिविटी से रिमूव करते हैं और पैसे वाला बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो हमारा चैनल आपके बहुत काम का है, इसको अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वयं जागृत होती हैं, मैजिकल इफ़ेक्ट आपके जीवन में आती हैं, लाती हैं और पैसे वाला बनाने में आपकी मदद करती हैं। उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है साबुत धनिया। साबुत धनिया की पोटली बना के आप तिजोरी में रखते हैं या साबुत धनिया किसी भी रूप में प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में पैसे की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन नहाने के पानी का एक दिव्य प्रयोग बता रहे हैं। नहाने के पानी में अगर आप पिसा हुआ सूखा धनिया डालें एक चुटकी और धनिया के दाने भी ऑप्शनल है, मतलब दोनों में से एक चीज़ लेनी है, या तो साबुत धनिया 6 की संख्या में लेना है और बाद में उसको जल प्रवाहित कर देना है नहाने के बाद में, और उसको शुद्ध जल में प्रवाहित करना है, मतलब नाली वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पाउडर ले रहे हैं तो भी आपको शुद्ध जल में नहाने के बाद वो डिज़ोल्व हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये मैजिकल इफ़ेक्ट आपके जीवन में लाएगा और आपको पैसे वाला बनाने में मदद करेगा। आपके दिमाग में ऐसे ऐसे आइडिया आएंगे कि जो आपसे आपके दिमाग में आपसे पहले नहीं आए थे, कि मेरे दिमाग में ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया, मैं इसको अप्लाई कर ही देता या देती। तो आपको साबुत धनिया नहाने के पानी में डालना है 6 की संख्या में, और पाउडर भी चुटकी भर डाल के स्नान कर सकते हैं, दोनों में से एक लेना है। दूसरी चीज़ है कोई भी खुशबूदार तेल। कोई भी खुशबूदार तेल शुक्र का प्रतिनिधि होता है और शुक्र को आप जागृत करते हैं तो पैसे वाला बनने में आपकी मदद मिलती है, आपको मदद मिलती है। तो खुशबूदार तेल नहाने के पानी में डालना डेली चालू कर दीजिए और दिवाली तक देखेंगे पैसों की बम्पर पैदावार आपको हासिल होगी। हो सकता है आप कोई लग्जरी कार भी खरीद लें, इतना पैसा आपके जीवन में आएगा। पैसा कहीं से भी आता है, आपको पता नहीं चलता है किस जगह से आपके घर में पैसा आना लिखा है, आपको पता नहीं चलता है। लेकिन पैसा आने के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि मैं इतना पैसा कैसे खर्च करूं, इतना पैसा मेरे पास आ गया है। तो आपको ये काम करना है, आप हींग भी चुटकी भर डाल सकते हैं नहाने के पानी में, इससे भी आपको नेगेटिविटी से राहत मिलेगी। पैसे की गारंटी नहीं देते, नेगेटिविटी की से राहत मिलेगी। इसके अलावा सीताफल के बीज की एक गिरी नहाने के पानी में डाल दीजिए। माता लक्ष्मी को सीताफल विशेष प्रिय है। सीताफल की एक जो बीज होते हैं ना, सीताफल में बीज ही बीज होते हैं, आपको पता है पल्प तो थोड़ा सा ही होता है, तो पल्प नहीं डालना है, बीज डालना है 1 की संख्या में, और आप देखिएगा आपकी किस्मत कैसी चमकती है, आपके घर में पैसे की बहार आने लगेगी। अगर आप बॉडी बॉडी पर लेप करना चाहते हैं तो हल्दी मिश्रित चंदन का लेप करें, उसमें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी मिला दें और लेप कर लीजिए बॉडी पर और फिर स्नान करिए। ये भी आपको स्फूर्ति देता है और पैसे वाला बनाने में आपकी मदद करता है। आप दही का प्रयोग भी स्नान के पानी में कर सकते हैं, थोड़ा सा दही डालकर स्नान करें या लेप लगा कर स्नान करें, दही का फेस पर भी लगा सकते हैं, लेकिन फ्रिज का नहीं होना चाहिए, नॉर्मल दही होना चाहिए और अधिक खट्टा नहीं होना चाहिए। आप मलाई की मसाज करके नहाना चालू कर दीजिए दिवाली तक, फिर देखिए चमत्कार। लेकिन इसके साथ साथ हमने
जो टर्म कंडीशन आपको बताई है कि लक्ष्मी कैसे घर में निवास नहीं करती हैं, लक्ष्मी कैसे तिजोरी को खाली करती हैं, वो वीडियो अवश्य देखिएगा, जिससे आप जान पाएँ कि आप ये सब काम तो कर रहे हैं लेकिन कहीं आप वो गलत हरकत तो नहीं कर रहे हैं जो माता लक्ष्मी को नापसंद है, पसंद ही नहीं है उनको। तो इससे आपको बचना है और हर वो काम करना है जो माता लक्ष्मी को पसंद है। साफ सफाई तो हर कोई करता है लेकिन मानसिक शुद्धि भी होनी आवश्यक है। आप किसी के लिए बुरा ही बुरा सोच रहे हैं तो आपका भला कहाँ से होगा। तो मानसिक शुद्धता अनिवार्य है और शारीरिक शुद्धता तो अनिवार्य है ही। डेली आप एड़ियों को रगड़ना चालू कर दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। आप नाभि पे भी चंदन का तेल लगाइए या सरसों का तेल लगाकर नहाना चालू कर दीजिए। डेली रात को सोते समय सरसों का तेल नाभि पे लगाइए या चमेली का तेल नाभि पे लगाकर सोइए, फिर देखिए चमत्कार कैसे बहाने मार मार के पैसा आपके जीवन में आने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के